फील्ड में हम काम करते हैं, पूरे दिन भाग दौड़ रहती है हमारे, डॉग वॉग देखते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, जो इंजर्ड डॉग हो जाते हैं रोडों पे, उनको हम देख रहे हैं इस टाइम पे। अभी अभी 4 केसेस देख के आऊँ और एक आपका कैट है। स्टार्टिंग में तकलीफ हुई थी थोड़ा सा, फिर पासेस बनवाए थे DCP ऑफिस से, फिर हम दिखा रहे हैं पासेस, फिर जा रहे हैं, फीडिंग भी करा रहे हैं, फिर ट्रीटमेंट भी करके आ जा रहे हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह निकल जाते हैं 10 बजे 11 बजे, रात को 2 बजे 1 बजे आते हैं अपने घर। जब से कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश में लॉकडाउन हुआ है, पहले से बहुत ही कम हो गए केसेस, क्योंकि रोडों पे गाड़ियां नहीं चल रही है। हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारे डोमेस्टिक डॉग्स हैं, पेट्स हैं, लोग उन्हें भी अवेंडेड कर रहे हैं अपने डॉग्स को। वो उनको ये डाउट है कि इसके वजह से भी कोरोना वायरस फैला। लॉकडाउन का प्रभाव खाली इंसानों पे नहीं पड़ा है, सबसे बड़ा प्रभाव तो जानवरों पे पड़ा है, जो बेचारे खाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। जो इनका इलाका बटा हुआ था फीडिंग प्रॉब्लम की वजह से, वो इकट्ठे हो रहे हैं और इधर उधर भूखे प्यासे भटक रहे हैं। मैं तो शुरू से ही फीड करती हूँ, मेरे को तो शुरू से ही प्यार है, बट एक्चुअली इस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे मैं अपने एरिए से काफ़ी आगे तक आगे ने फीड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है सारी शॉप्स क्लोज हैं और ये बच्चे भूखे होंगे, नोबडी इज देयर टू टेक केयर, राइट? सो आई एम ट्राइंग कि ज़्यादा ना हो सके एक एक दिन छोड़कर इन्हें पेट भर के फीड करा दूँ। जिस हिसाब से न्यूज़ में खबरें आ रही हैं, तो हमें भी डर तो लगता है बाहर निकलने में, लेकिन हम भी निकलने के लिए, डॉक्टर काम कर रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम भी काम कर रहे हैं, क्योंकि रोड पे डॉग भूखे हैं, कोई इंजर्ड है, कोई किसी को फीवर है, तो उसकी वजह से भी वो मर सकते हैं। चिंटी तो बुद्धू मिला है। मैं तो यही पब्लिक से ही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन के समय जो भी सोसाइटी हो, उनके घर के आसपास डॉग हो, गाय हो, जो भी हो कुछ, आप लोग थोड़ा सा एक एक दो दो रोटी बनने करके उनको डाल दीजिए प्लीज़। इस लॉकडाउन में जैसे हम एडजस्ट कर रहे हैं, वैसे एनिमल्स भी एडजस्ट कर रहे हैं। अगर ये खाएं पिए रहेंगे, पेट भरा रहेगा, तो ये किसी के पे अटैक नहीं करेंगे और किसी के पीछे भगेंगे नहीं। आप उनको उनका कंफर्ट जोन दीजिए, उनका साथ दीजिए, तभी हम साथ में मिलकर कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे।